हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू शेपिंग फ्यूचर। आज के इस वीडियो में हम लोग शॉर्ट आंसर का लास्ट पार्ट करने जा रहे हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है प्लेलिस्ट का, जहां आपको हर सेट का ऑब्जेक्टिव का आंसर की मिल जाएगा और शॉर्ट आंसर भी 1 to 30 मिल जाएंगे और लॉन्ग आंसर भी सारे के सारे मिल जाएंगे। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। व्हाट्सएप मैसेज से पहले गुड मॉर्निंग मैम होना कंपलसरी है। अब मैं स्टार्ट करती हूं पहले क्वेश्चन से। गिवन दे रखा है पी ए 0.3, पी बी 0.5, पी बी अपॉन ए 0.4। क्या बी अपॉन ए का फॉर्मूला जो दो यहां लिखा है उन दोनों का इंटरसेक्शन डिवाइडेड बाय पी ए। अब इसकी वैल्यू 0.4 ऑलरेडी दी हुई है। अगर मैं इंटरसेक्शन को कॉपी कर दूं, पी ए 0.3 दिया है, यहां से ए इंटरसेक्शन बी 0.4 इंटू 0.3 और हमारा आंसर आ गया ए इंटरसेक्शन बी। लेकिन ए इंटरसेक्शन बी पूछा ही नहीं है, ए यूनियन बी पूछा है। जो बच्चे हमारे कोचिंग के स्टूडेंट हैं उनको याद होगा हमारी क्लास की बातें, सदाबहार फॉर्मूला, मोस्ट यूजफुल फॉर्मूला। हमारे पास एक फॉर्मूला है एज वी नो ए यूनियन बी क्या हो जाएगा। ए यूनियन बी होगा पी ए पी बी ए इंटरसेक्शन बी। क्या हमारे पास सभी डेटा अवेलेबल हैं? पी ए की वैल्यू 0.3, पी बी की वैल्यू 0.5, ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू 0.12, 0.80, 0.12। अगर मैं दोनों को माइनस कर लूंगी 0.68। क्वेश्चन में एक बार मैं चेक कर लेती हूँ क्या डेटा है, एक मिनट वेट। अच्छा, क्वेश्चन गलत टाइप किया हुआ था, यहाँ पी ए की वैल्यू 0.8 है। तो अगर मैं इसे 0.8 मानकर बना लूँ, ये 0.8 हो जाए, अगर यहाँ 0.8 हो जाए तो ये 0.32 हो जाएगा, ये 0.32 हो गया। और अगर हम लोग इसे कैलकुलेट कर लूं, 0.8 प्लस 0.5 1.3 माइनस 0.32, तो ये आ गया 0.98। कभी मैं आप बच्चों को वीडियो बनाकर दिखाऊंगी जो गलत टाइप करती हैं, 0.8 उन्हें 0.3 नजर आता है। तो चलिए, हमारा परफेक्ट आंसर 0.98 आ चुका है और सिंपल क्वेश्चन था। और अब हम लोग चल रहे हैं अपने सेकंड क्वेश्चन पे, एकदम ही इजी क्वेश्चन है और कई बार पहले भी पूछा जा चुका है। टू डाइस आर थ्रोन साइमल्टेनियसली, क्योंकि दो डाइस थ्रो किया जा रहा है, तो सैंपल स्पेस 6 की पावर 2 यानी 36। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए सम 9 or 10। सम ऑफ नंबर ऑन बोथ डाई इज 9 or 10। सम 9 की बात कर लूं तो 3 6 4 5 5 4 6 3। अगर मैं सम 10 की बात कर लूं 4 6 5 5 6 4, यानी कि सब मिला के हमारे पास टोटल 7 एलिमेंट्स आ चुके हैं। और प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला NE/NS, एंड द करेक्ट आंसर इज 7/36। ये हमारा सैंपल स्पेस हो गया
और यही हमारा प्रोबेबिलिटी। शिफ्टिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, डेफिनिट इंटीग्रेशन बहुत ही आसान। ए से लेके बी लॉग एक्स का होल स्क्वायर अपॉन एक्स, मैंने पुट कर लिया लॉग एक्स को टी, डिफ्रेंशिएट करना है लॉग एक्स का वन बाई एक्स, एक्स का डी एक्स और टी का डी टी। अब इस क्वेश्चन में जिस मोमेंट पर एक्स की वैल्यू ए है, टी की वैल्यू जब एक्स के जगह ए रखेंगे तो टी की वैल्यू लॉग ए, जिस मोमेंट पर एक्स की वैल्यू बी है टी की वैल्यू लॉग एक्स मीन्स लॉग बी। और हमारा ये क्वेश्चन ए से बी लॉग एक्स का होल स्क्वायर वन अपॉन एक्स डी एक्स के बदले लॉग एक्स के जगह टी रख रही हूँ, वन बाई एक्स डी एक्स के जगह डी टी, इस ए के जगह लॉग ए और इस बी के जगह लॉग बी, टी स्क्वायर डी टी हो गया टी क्यूब बाई थ्री, यहाँ लॉग ए और लॉग बी, वन बाई थ्री को बाहर कर दिया, टी के जगह लॉग बी का क्यूब माइनस लॉग ए का क्यूब, और यही हमारा फाइनल आंसर हो गया। अब मैं एक बहुत ही लेंदी क्वेश्चन की बात करने जा रही हूँ। अगर ये क्वेश्चन 2 मार्क्स में पूछा है तो स्टूडेंट को छोड़ देना चाहिए, ये क्वेश्चन 5 मार्क्स का है, बहुत ही लेंदी। मैं छोटा छोटा लिखूंगी क्योंकि हमारे इस एक पेज में भी नहीं आ पाएगा ये, मैं आपको बता दूं कि हमारे एक पेज में भी नहीं आ पाएगा। ये होमोजीनियस है, x का पावर 1 y का पावर 1। मैं लिखने जा रही हूं यहां dy अपॉन dx, दिस वन एबव इक्वेशन इज होमोजीनियस। मैंने अज्यूम कर लिया एबव इक्वेशन इज होमोजीनियस। अब मैंने अज्यूम कर लिया कि ये होमोजीनियस है तो हमें करना होगा पुट वाई बराबर भी एक्स, डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, इस वाई का डिफ्रेंशिएशन प्रोडक्ट रूल, भी कॉपी एक्स का वन, एक्स कॉपी भी का डी वी बाई डी एक्स, ये दोनों वैल्यू जिसे ए और बी कहते हैं इक्वेशन वन में डाल देना है। पुटिंग द वैल्यूज ऑफ वाई एंड डी वाई बाई डी एक्स फ्रॉम ए एंड बी इन इक्वेशन वन, डी वाई बाई डी एक्स के जगह ये पूरा, वाई के जगह भी एक्स, इस वाई के जगह भी एक्स। कॉन्सेप्ट कहता है इस एल एच एस वाले भी को राइट साइड भेजने के लिए, एक्स कॉमन इस एल एच एस वाले भी को राइट साइड भेजने के लिए। अब पहले एलसीएम ले लूंगी, वन प्लस वी वन माइनस वी। नाउ सेपरेट द वेरिएबल्स, हमें वेरिएबल्स को सेपरेट करना होगा। ये वन प्लस वी ऊपर जाएगा, वन प्लस वी ऊपर चला गया, ये वन माइनस टू वी माइनस वी स्क्वायर डी वी, ये डी एक्स और ये एक्स बन गया। अब यहां से मैं माइनस कॉमन लेके दूसरी तरफ भेज देती हूं, वन प्लस वी, मैंने माइनस को कॉमन निकाल लिया, वी स्क्वायर टू वी माइनस वन डी वी डी एक्स अपॉन एक्स। अब अगर गौर से देखें तो इसका डेरिवेटिव ऊपर प्रेजेंट है, ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन किसी भी एंगल से नहीं था,
इसको टी मान ली, वी स्क्वायर का 2v, वी का 1, dv इक्वल टू dt, 2 कॉमन v प्लस 1 dv बराबर dt, वी प्लस 1 इंटू dv बराबर dt अपॉन 2। अब ये बन गया, ये माइनस वी प्लस 1 dv को मैं dt बाई 2 लिख दूंगी, ये नीचे t है, dx अपॉन x बन गया log x, प्लस c की बजाय log c लिख दिया मैंने। अब मैं इस माइनस हाफ को पहले कॉपी कर लेती हूँ, पहले से ही आइडिया था कि बहुत बड़ा होगा, इसलिए मैं सेम टू सेम कॉपी कर रही हूँ, dt अपॉन t log x प्लस log c। अब क्या करेंगे हम लोग, dt अपॉन t हो जाएगा, dt अपॉन t हो गया log mod t, और ये log mn हो गया, माइनस को यहीं रहने दूंगी और 2 दूसरी तरफ चला गया, ये माइनस ऊपर पावर में चला गया और ये 2 भी इस तरफ पावर में चला गया, log एंड log कैंसल आउट हो गया, t को 1/t लिख लेंगे। अब यूजिंग इक्वेशन 2, इस t के जगह v स्क्वायर 2v माइनस 1, c स्क्वायर को एक नया कांस्टेंट दे देना है। नाउ पुट अभी के जगह यहां से इक्वेशन a से पुट कर लेंगे, नाउ पुट भी इक्वल टू वाई अपॉन एक्स फ्रॉम इक्वेशन ए, भी के जगह हो गया वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, भी के जगह वाई अपॉन एक्स हो गया, एक्स स्क्वायर एलसीएम लेके ऊपर, ये वाई स्क्वायर 2xy, एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर कैंसल्ड आउट, यहां 1 ए इंटू दिस 1, ये ए को इस तरफ 1 अपॉन ए, फाइनली माइनस को इस तरफ, एक्स स्क्वायर 2xy माइनस वाई स्क्वायर, इसलिए रिक्वायर्ड, सोचो ये 5 मार्क्स भी में भी आए तो बच्चा को छोड़ देना चाहिए, क्योंकि बाकी क्वेश्चन इससे आसान था। पहले मैं इसको लिख देती हूँ 2xy माइनस वाई स्क्वायर, माइनस 1/a को कोई नया कांस्टेंट मैंने मान दिया और हमारा करेक्ट आंसर आ चुका। शिफ्टिंग टू दिस वन, शिफ्टिंग टू क्वेश्चन नंबर 25, बहुत आसान क्वेश्चन क्या है, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस। मैं डायरेक्शन कोसाइंस की बात कर रही हूँ, लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स, तो पहले मैं 2 पॉइंट को मार्क आउट कर लेती हूँ, ये ए, ये बी, इन दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन, डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन ए बी का डायरेक्शन रेशियो x2 - x1 y2 - y1 z2 - z1, 1 - 2 2 - 4 3 + 5, ये 3, ये -2 और ये 8। अगर मैं मैग्नीट्यूड की बात कर लूं, 3 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर 9 4 64, अगर डायरेक्शन कोसाइंस की बात कर लें ऑफ लाइन ए बी, क्या कॉन्सेप्ट कहता है, ये रेशियो -2 अपॉन कॉमा 8 अपॉन, क्लियर हो चुका, कंप्लीट क्लियर हो चुका। अब मैं 26 नंबर क्वेश्चन की बात कर लेती हूँ, ये और भी आसान है।
क्या अपने को ये फॉर्मूला पता है? वी हैव फॉर्मूला, हमारे पास फॉर्मूला है कॉस 2x का, 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1, ये माइनस 1 इस तरफ आ गया, 1 प्लस कॉस 2x की वैल्यू ये। अगर मैं रूट अंडर की बात कर लूं तो रूट अंडर दिस वन, नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, इसी को तो इंटीग्रेट करना है मुझे क्वेश्चन में, नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, इसका इंटीग्रेशन ये रहा और इसका इंटीग्रेशन, ये तो क्वेश्चन है जो पूछा जा रहा है। यहां मैं रूट टू कॉमन ले लूंगी, रूट के अंदर कॉस स्क्वायर, रूट के अंदर कॉस स्क्वायर, इस रूट के अंदर कॉस स्क्वायर, कॉस का इंटीग्रेशन साइन, और हमारा करेक्ट आंसर आ गया रूट टू साइन एक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन तो और भी आसान है। वी हैव फॉर्मूला, कैसा फॉर्मूला? 1 प्लस साइन 2x, क्या 1 को हम लोग लिख सकते हैं साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर? क्या साइन 2x का फॉर्मूला है हमारे पास 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ए प्लस बी का होल स्क्वायर। इसलिए अगर इसका रूट अंडर कभी पूछा जाए, रूट अंडर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, यानी कि साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। नाउ हमारा क्वेश्चन है, हमारा इंटीग्रेशन है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डिवाइडेड बाई रूट अंडर दिस वन, और इसी को मैं लिख सकती हूँ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, इस रूट अंडर को इतना लिख सकते हैं साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ये कैंसल आउट हो गया और वन का इंटीग्रेशन एक्स। बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन हैं और आंसर हमारा इसके इंटीग्रेशन का आ चुका। आखिरी 3 क्वेश्चन, ये भी सिंपल है। मैं क्या कर सकती हूँ, इसे ई की पावर 2x को ऐसा लिख सकती हूँ, डिनोमिनेटर को टी मान लेती हूँ। जैसे ही मैं डिनोमिनेटर को टी मानूंगी, 1 का डिफरेंशिएशन 0, e की पावर x का सेम dx dt, e की पावर x dx को dt। गौर से देखना है, e की पावर x दिस वन, इसे क्या लिख सकती हूँ, नीचे तो t हो गया, e की पावर x इंटू dx को तो dt लिख दूंगी, लेकिन e की पावर x को क्या लिख सकती हूँ, इस e की पावर x को तो मैं लिख सकती हूँ t माइनस 1। और अब ये इंटीग्रेट कैसे होगा, अब हम लोग इसे इंटीग्रेट करेंगे। पहले t अपॉन t माइनस 1 अपॉन t dt, ये 1 आ गया, ये 1 अपॉन t dt, 1 का इंटीग्रेशन t और dt बाई t का log mod t प्लस c, t की वैल्यू है 1 प्लस ई टू दी पार एक्स, इस t की वैल्यू ये है और इस t की वैल्यू है 1 प्लस ई की पार एक्स, और हमारा फाइनल आंसर आ चुका। लास्ट 2 क्वेश्चन की अगर मैं बात कर लूं, ये डेफिनेट इंटीग्रेशन है, इसके करने का तरीका है 2 तरीके, या तो मैं इनडेफिनिट के प्रॉपर्टी से बना लूँ इसे,
या मैं प्रॉपर्टी लगा के, तो मैं पहले इनडेफिनिट के प्रॉपर्टी से बनाती हूँ, यानी मैं साइन की पावर 4 थीटा को लिख लेती हूँ। ये बन गया साइन स्क्वायर का स्क्वायर। हमें पता है साइन स्क्वायर थीटा होता है 1 cos 2θ/2, और ये बन गया 1 cos 2θ/2 a-b² a² b² - 2ab² 4 1/4 बाहर 1 cos 2θ cos²2θ 1/4 2 cos 2θ। इस स्क्वायर को फिर से हटा देती हूँ, 1 + cos इसका 2 गुना 4θ/2dθ। मैंने क्या यूज किया, cos²x = 1 + cos 2x/2, एलसीएम ले रही हूँ, 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4 +1 + cos 4θ/2 4 × 2 = 8, 2 + 1 = 3 -4 cos 2θ +cos 4θ। ये 2 तो निकाल चुकी इसलिए 1 बचा। अब 1/8 3 कांस्टेंट डी थीटा 4 कांस्टेंट cos²θ/dθ cos²θ/dθ। अब डी थीटा का हो गया थीटा, इस कॉस का इंटीग्रेशन हो गया साइन, इस कॉस का इंटीग्रेशन साइन अपॉन 4। अब लिमिट है हमारे पास 0 से π/2। नाउ 0 से π/2 sin²θ/dθ का वैल्यू 1/8 3θ × 2 into sin²θ sin²θ/4 0 से π/2। एक बार अपर लिमिट पुट करूंगी थीटा के जगह π/2, π/2 रखूंगी साइन पाई आ गया जो 0 होता है, 4 × π/2 2π आ गया, ये भी 0 होता है, माइनस अब लोअर लिमिट 0, 3 × 0 sin 0 फिर से साइन 0, 3π/16 हमारा 3π/16 हमारा करेक्ट आंसर हो गया। ये सच में लॉन्ग क्वेश्चन के लायक था, इसमें आप चाहो तो प्रॉपर्टी लगा के भी बना सकते हो, सेम टू सेम यही आंसर आएगा। और अब मैं अपने आखिरी और इजीएस्ट एमंग इजीएस्ट, ये इतना प्रैक्टिस करवाई बच्चों को कि इसका आंसर भी याद है कि π/4 होता है। मैंने मान लिया इसे आई 0 से π/2 √sin x upon √cos x √sin x यूजिंग P4 फोर्थ नंबर प्रॉपर्टी है। अब यहां तो नंबर पता नहीं है, क्लास नोट्स में बच्चों को लिखवाई थी। यूजिंग प्रॉपर्टी 0 से a f(x/dx) 0 से a a-x/dx 0 से π/2 sin a-x a π/2 - x √cos π/2 - x √sin
पाई बाय टू माइनस एक्स। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन 90 माइनस थीटा। ये हमारा वन हो गया, ये हमारा टू हो गया। एडिंग वन एंड टू, एडिंग वन एंड टू, आई और आई को ऐड करूंगी टू आई। आखिर ऐड क्यों कर रही हूं? क्योंकि इधर का डिनोमिनेटर बिल्कुल सेम है। जैसे ही मैं ऐड करूंगी, हमारा एलसीएम जो दोनों का डिनोमिनेटर है वो लिख रही हूं, यहां ऊपर से लिख रही हूं रूट साइन एक्स, और यहां इक्वेशन टू का डिनोमिनेटर रूट कॉस एक्स। ये पूरा का पूरा कैंसल आउट होकर वन, टू आई जीरो से पाई बाय टू वन इंटू डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन एक्स। टू आई की वैल्यू पाई बाय टू माइनस जीरो, आई की वैल्यू पाई अपॉन फोर। माय डियर स्टूडेंट, अब मैं बात कर रही हूं कि हमने पूरा का पूरा खत्म करवा दिया आपका ऑल शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस, हमने करवा दिए। एक मिनट डियर स्टूडेंट, हमारा शॉर्ट आंसर खत्म हो चुका, अब हम लोग लॉन्ग आंसर करेंगे। अगर आप बच्चे चाहेंगे, वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा और फ्रेंड्स में शेयर भी जरूर करिएगा। थैंक यू, मैं मिलती हूँ लॉन्ग क्वेश्चन के सल्यूशन में।